आमतौर पर सांप को देखते ही लोग उससे दूर भागने लगते हैं या उसे मारने की कोशिश करते हैं, और वो सांप अगर कोबरा हो तो आम आदमी की डर के मारे हालत खराब हो जाती है। लेकिन इस वीडियो को देखकर आप यही सोचेंगे कि यदि इंसान जानवरों को नुकसान ना पहुंचाए तो जानवर भी इंसानों को नुकसान नहीं पहुंचाते। वीडियो पुराना है लेकिन दिलचस्प है। इस वीडियो में एक व्यक्ति बोतल में भरे पानी को कोबरा के फन के पास ले जाता है। पहले तो सांप पानी को देखता है और फिर पीने लगता है। जब सांप को पानी पीने में दिक्कत होती है तो ये व्यक्ति कोबरा के फन को पीछे से पकड़कर बोतल तक लेकर आता है। कुछ बूंदें कोबरा के फन तक जाती हैं और फिर बड़े आराम से कोबरा पानी पीने लगता है। यह वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हुआ है। इस वीडियो को एक IAS अधिकारी अविनाश शरण ने अपने ट्विटर हैंडल पर पोस्ट किया था। सांप को पानी पिलाने वाला व्यक्ति वन विभाग का एक अधिकारी है। इसी तरह की एक और घटना आपको बताते हैं। उड़ीसा के एक गांव में लोगों ने मछली पकड़ने वाले जाल में फंसे हुए कोबरा सांप को देखा और एक स्नैक कैचर को इसकी सूचना दे दी। स्नैक कैचर ने सांप को पकड़ने के दौरान महसूस किया कि शायद ये सांप प्यासा है। एक सांप को पानी पिलाना रिस्की हो सकता है क्योंकि इसके लिए आपको उसके बहुत करीब जाना होता है, और कोबरा एक बेहद ही खतरनाक सांप होता है जो कि एक बार के काटने पर 7 मिलीलीटर तक का जहर अपने शिकार में डाल सकता है। ये स्नैक कैचर अनुभवी था और इसलिए इस खतरनाक सांप को हैंडल कर लिया। उसने मछली के जाल में फंसे सांप को बाहर निकाला और फिर उसे एक बोतल से पानी भी पिलाया। इसके बाद स्नैक कैचर ने कोबरा को प्लास्टिक के डिब्बे में बंद किया और उसे जंगल में छोड़ दिया। वीडियो में दिखाए गए लोग एक्सपर्ट स्नैक कैचर हैं। आप इस तरह की कोशिश बिल्कुल ना करें, नहीं तो यह आपके लिए जानलेवा साबित हो सकता है। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। इसी तरह के और वीडियोज़ देखने के लिए YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में घंटी वाले बटन को भी दबाइए।